नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोतिहारी में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वावधान में वन महोत्सव 2022 के अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोतिहारी की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में 75 पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वन महोत्सव का महत्व अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत मनरेगा के द्वारा जीविका दीदी के पौधशाला एवं वन विभाग के पौधशाला से जिले भर में लगभग 7 लाख से अधिक पौधे लगाने के कार्य प्रगति पर है। वहीं वन महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। इस अवसर पर श्वेता कुमारी वन प्रमंडल पदाधिकारी मोतिहारी, लाल बाबू शाह, अमृता कुमारी के साथ कॉलेज के अन्य छात्राएं मौजूद हैं। तिरहुत लाइव के लिए संवाददाता नितेश वर्मा की रिपोर्ट है। पूर्वी चंपारण के श्वेता जी के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव एमजे के स्कूल में आयोजित किया गया है और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस तरीके से हरियाली यहाँ पे है। हमारा जल जीवन हरियाली का भी उद्देश्य यही है कि ग्रीन कवर जो है हमको बढ़ाना है और उसी कड़ी में जो है जैसे सूचना मिली है कि 95 पेड़ जो है बच्चियों के द्वारा यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो एमजे के स्कूल के सभी प्रशासन और वन विभाग का सभी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि जिनको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत, सोशल फॉरेस्ट्री के तहत जो है पेड़ चाहिए, जो नर्सरी जीविका दीदियों के माध्यम से और फॉरेस्ट विभाग के दिशा निर्देश में तैयार की गई है, उस वहाँ से वो पेड़ जो है सस्ते दरों में और कुछ जगह पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनके द्वारा जो है दिए जा रहे हैं। कृपया उसका लाभ जरूर ले लीजिए ताकि इस पृथ्वी को बचाने में, ग्रीन करने में जो है हम सभी लोग अपना योगदान दे सकें। थैंक यू।